बच्चों किसके बारे में देख रहे हैं? बच्चों बोलो, तुम्हारे फेवरेट ऑर्गेनिज्म के बारे में देख रहे हैं, दैट इज कॉकरोच। ठीक है, एक दिन मैंने तुम लोगों से पूछा भी था कि बच्चों तुम लोग को अगर मैं ऑप्शन दूं कि तुम लोग कुत्ता पालना चाहोगे कि बिल्ली पालना चाहोगे कि कॉकरोच पालना चाहोगे, तुम में से सबने बोला था कि कॉकरोच, तुम लोग को इतना पसंद है बच्चों कॉकरोच। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे एक फेवरेट ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों? कॉकरोच है। ठीक है, कॉकरोच बच्चों काफी सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जीनसेस, देर आर डिफरेंट टाइप, डिफरेंट जीनसेस बच्चों, काफी सारे अलग अलग जीनसेस है कॉकरोच के। सो लेट अस टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोचेस आर इंसेक्ट्स बिलोंगिंग इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू दी फाइलम, बिलोंगिंग टू दी फाइलम। बताइए बच्चों कॉकरोच का फाइलम बताइए तो मुझे जरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइलम ऑफ कॉकरोच? अर्थपूर्णा ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, कहाँ पे आते हैं बच्चों ये लोग? ऑर्थ्रोपोडा में आते। करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट तन्वी। ठीक है, दे बिलोंग टू द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, दे बिलोंग टू द फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। बच्चों कॉकरोच काफी सारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, दे कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है, दे कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। सबसे पहला जो टाइप है बच्चों कॉकरोच का, दैट इज कॉल्ड एज दी पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना। क्या है बच्चों सबसे पहला वैरायटी? क्या है? पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, पेरी प्लैनेटा अमेरिकाना है बच्चों। ये लार्जेस्ट कॉकरोच है बच्चों, इट इज द लार्जेस्ट कॉकरोच का जीनस, लार्जेस्ट कॉकरोच, जो कि अबाउट विच आर अबाउट 34 to 53 millimeters लॉन्ग। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉकरोच होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आता है बच्चों बेटा ओरिएंटालिस, सॉरी ब्लाटा ओरिएंटालिस। ओरिएंटालिस बच्चों ये ओरिएंटल वैरायटी ऑफ कॉकरोच है। ठीक है, ओरिएंटल वैरायटी ऑफ कॉकरोच है, विच आर नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका, नेटिव टू इंडिया एंड श्रीलंका। बच्चों इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, बेसिकली इंडिया और श्रीलंका बोला तो बच्चों आजू बाजू के दो तीन नेबरिंग कंट्रीज भी जोड़ लेना। ठीक है, तो बच्चों ये बेसिकली इंडियन सदर्न सदर्न एशिया में ये लोग ओरिएंटल वैरायटी होते हैं बच्चों। ठीक है, दे आर ओरिएंटल वैरायटी ऑफ द सदर्न एशिया। फिर आता है बच्चों ब्लेटा, ब्लेटा जर्मैनिका, जर्मैनिका विच इज दी स्मॉलेस्ट वराइटी है बच्चों, स्मॉलेस्ट कॉकरोच है ये। ठीक है, सबसे छोटू कॉकरोच है बच्चों। ठीक है, सबसे छोटा कॉकरोच है। ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? ब्लैटा जर्मैनिका बुलाते हैं। अब बच्चों कॉकरोचेस जो होते हैं मोस्टली ब्लैक ब्राउनिश या येलोइश होते हैं बच्चों। ठीक है, सो दे आर मोस्टली ब्लैक ब्राउनिश और येलोइश, या येलोइश होते हैं बच्चों, लेकिन काफी सारे विचित्र कलर में भी मिलते हैं बच्चों, ग्रीनिश वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, इंसेक्ट बट ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन वराइटीज ऑल्सो सीन। ठीक है, ग्रीन वैरायटीज भी मिलते हैं बच्चों ये लोग। बच्चों 1.5 इंच से लेके 3 इंच तक ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, साइज मोस्टली रेंजेस फ्रॉम 1/4 इंचेस टू अबाउट 3 inches in size। ठीक है, 1/4 inches to 3 inches in size। ठीक है,
सर चाइना और अदर कंट्रीज में अदर स्पीशीज ऑफ कॉकरोच है क्या? बच्चे देखो मैंने बोला था, मुझे पता ही था तुम लोगों को कॉकरोचों से इतना प्रेम है करके, कि कितनी जिज्ञासा है बच्चे तुम लोगों में, कितनी जानने की इच्छा है कि अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या कॉकरोचेस है करके। मोस्टली बच्चों अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग स्पीशीज मिलता ही है, एग्जैक्टली सारे कंट्रीज का नेम नहीं पता बच्चों। तीन तीन जो सिग्निफिकेंट बच्चों जो डेटा वाइज सिग्निफिकेंट है उसके बारे में यूजुअली पढ़ते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ बच्चों और मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ कि तुम किसी दिन अपना ड्रीम हासिल करोगे, दैट इज कॉकरोचेस के ऊपर एक पीएचडी करना, करोगे बच्चों तुम लोग, बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम पे भरोसा करता हूँ बच्चों, ठीक है बिल्कुल कीजिएगा बच्चों कॉकरोचेस पे पीएचडी, और तुम लोग को पता चल जाएगा एवरी एरिया में कौन से अलग अलग टाइप ऑफ कॉकरोचेस तुम लोग को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, कॉकरोचेस नॉकटर्नल होते हैं, कोई मुझे बताएगा बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय नॉकटर्नल? ठीक है कोई तुम लोग कोई मुझे बताएगा बच्चों नॉकटर्नल क्या होता है? करेक्ट, एक्टिव एट नाइट, नाइट विजन नहीं रहे बेटा, एक्टिव एट नाइट। ठीक है बच्चों, तुम लोग जब लेट लेट रात तक मतलब घर वालों को बोलते हो कि तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम तो ऐसे कुछ टाइम पास करते रहते हो बराबर, ठीक है बच्चों ऐसे टाइम पास करते करते भूख लग जाती है बच्चों अपने को। ठीक है जब तुम लोग किचन में जाते हो, किचन का लाइट ऑन करते हो, तो बच्चों तुम और तुम्हारे दोस्त वहां पे दोनों ही रात को एक्टिव रहते हैं बच्चों। ठीक है तुम जाते हो बच्चों वहां पे खाना चोरी करने लगे, कॉकरोचेस तुम्हारे दोस्त पहले से ही रहते हैं वहां पे खाना चोरी करने के लिए बराबर। तो बच्चों तुम और कॉकरोच देखो बच्चों कितना ज्यादा सिमिलैरिटी है तुम्हारे और कॉकरोचेस के बीच में, कि दोनों कब एक्टिव रहते हैं बच्चों? नाइट के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। ठीक है दे बोथ आर एक्टिव ड्यूरिंग दी नाइट, ठीक है एक्टिव ड्यूरिंग दी नाइट। ठीक है सर मैं जल्दी सोने चला जाते, वेरी गुड बेटा शाबाश, ठीक है वेरी गुड शाबाश। ठीक है लेकिन है काफी सारे जन है, ठीक है एक एक को ढूंढने लगूंगा तो पता चलेगा बच्चों, 1 बजे 12 बजे। ठीक है एक एक बार किसी का तो डाउट आया था, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा किसका है, तो मैंने उसको बोला था कि बेटा कल डाउट सॉल्व, नहीं हाँ तुम नहीं थे रिपीटर थे, रिपीटर था क्या? नहीं हाँ रिपीटर ही थे शायद से, मैंने बोला कि कल डाउट सॉल्व कर दूंगा बेटा मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है 10:30 बज रहे थे, 10:30 या 10:15 कुछ हो रहा था, तो उसका रिप्लाई क्या आता है सर इतने जल्दी? ठीक है बच्चों तुम लोग ऐसे बच्चों मैं जानता हूँ, ठीक है 10 बजे तुम्हारे लिए बहुत अर्ली हो जाता है। ठीक है हाँ तो जैसे कि मैंने बोला बच्चों दे आर नॉक्टर्नल, दे आर ओमनीवोरस, ठीक है एंड कैन सरवाइव इन डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस। कहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं बच्चों ये लोग? डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस में ये लोग सरवाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों अपन लोग कॉकरोच के मॉर्फोलॉजी पे। ठीक है सो लेट अस टेक अ लुक एट द मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। ठीक है कॉकरोच जो रहता है बच्चों इट इज कवर्ड बाय अ हार्ड एक्सोस्केलेटन, ठीक है जो कि काइटिन काइटिन से बनता है बच्चों। ठीक है सो दे आर कवर्ड बाय अ हार्ड एक्सोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है बच्चों जल्दी से मुझे बताइए काइटिन और किसके सेल वॉल में मिलता है बच्चों, और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल वॉल में हमको काइटिन मिलता है बच्चों, और किसके सेल वॉल में हमें काइटिन मिलता है? फंगाई, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, फंगाई के सेल वॉल में मिलता है। ठीक है दे हैव अ हार्ड एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। बच्चों ये लोग सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं, दे आर सेगमेंटेड एनिमल्स, सेगमेंटेड एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड थोरैक्स एंड अबडमन। ठीक है किसमें डिविजिबल रहता है बच्चों? हेड थोरैक्स और अबडमन में रहता है। ठीक है किसमें रहता है बच्चों? हेड थोरैक्स और अबडमन में रहता है। ठीक है अब बच्चों देखो बाकी का जो फैक्ट्स है, सेगमेंटेड रहने के कारण ना बच्चों, सेगमेंटेड रहने के कारण इनके पूरे बॉडीज अलग अलग सेगमेंट में बटे हुए रहते हैं। अब बच्चों इनके बॉडीज में टोटल सेगमेंट कितने देख लेते हैं बच्चों, जब ये लोग जस्ट पैदा होते हैं तो कॉकरोच का जो चेहरा रहता है, कॉकरोच का जो मुंह रहता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 1, 2,
थ्री फोर एंड फाइव सिक्स सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है बच्चों. कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है? सिक्स सेगमेंट्स में. बच्चों वॉइस क्रैक हो रही है कि क्लियरली सुनाई दे रहा है सब लोगों को? क्लियरली सुनाई दे रहा है? मोहक एक बार देख ले बेटा अपना नेटवर्क वगैरह चेक कर ले एक बार, ठीक है? बाकी सबको क्लियरली सुनाई दे रहा है ना बच्चों? ओके ठीक है. तो बच्चों लार्वल स्टेज में इनका जो चेहरा रहता है दैट इज डिवाइडेड इनटू सिक्स सेगमेंट्स, ठीक है. इनका जो थोरैक्स रीजन रहता है बच्चों, ठीक है, थोरैक्स रीजन रहता है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट्स, वन टू एंड थ्री. और बच्चों इनका जो अपडमन रहता है दैट इज डिवाइडेड इंटू इलेवन सेगमेंट्स, ठीक है. एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन. सो अब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू टेन सेगमेंट्स, ठीक है. सो बच्चों लार्वल कॉकरोच के पास कितने सेगमेंट्स है टोटल? एक लार्वल कॉकरोच के पास, लार्वल कॉकरोच के पास है बच्चों सर पे है छह सेगमेंट, थोरैक्स में है तीन सेगमेंट, अब्डोमेन में है 11 सेगमेंट. टोटल हो जाते हैं बच्चों 20 सेगमेंट हो जाते हैं. सो लार्वल कॉकरोचेस के बॉडी में है बच्चों 20 सेगमेंट, और अडल्ट कॉकरोच के बॉडी में है बच्चों चेहरा पूरा एक सेगमेंट हो जाता है. सारे छह के छह सेगमेंट क्या हो जाते हैं बच्चों? ज्वाइन हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं साथ में. फिर क्या आता है बच्चों? थोरैक्स आता है. फिर क्या आता है बच्चों? थोरैक्स आता है. यह है बच्चों पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीन रह जाते हैं. और बच्चों अब्डोमेन से 11वां सेगमेंट हट जाता है बच्चों, 11वां सेगमेंट अब्डोमेन से हट जाता है, फ्यूज हो जाता है बच्चों. और अब्डोमेन में बच जाते हैं 10 सेगमेंट, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और 10. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है. तो बच्चों अडल्ट कॉकरोच के पास, अडल्ट कॉकरोच के पास है बच्चों एक प्लस तीन प्लस दस दैट इज 14 सेगमेंट्स आहे. कितने सेगमेंट्स आहे बच्चों? 14 सेगमेंट्स आहे, ठीक है. अब बच्चों सेगमेंट्स जो रहते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है. और बच्चों प्लेट लाइक मतलब बच्चों छोटे छोटे ऐसा सेगमेंटेड चीजें रहते हैं बच्चों. इनका जो एक्सोस्केलेटन बनता है मतलब ऐसे छोटे छोटे सेगमेंटेड चीजें, छोटे छोटे प्लेट लाइक चीजें एक दूसरे के साथ फ्यूज होके इनका पूरा ये बनाते हैं बच्चों, इनका पूरा बॉडी बनाते हैं, ठीक है. सो द सेगमेंट्स एंड एक्सोस्केलेटन इन कॉकरोच, एक्सोस्केलेटन and cockroach are formed by fusion of plate like structures called as the sclerites. क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? स्क्लेराइट्स बुलाएंगे बच्चों, ठीक है. वी विल कॉल इट एज दी स्क्लेराइट्स. स्क्लेराइट्स बच्चों यही है वो काइटिनेशियस प्लेट्स है बच्चों, याद रखेगा. दे आर काइटिनेशियस प्लेट्स. इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, एक काफी इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर तुम्हारे नीट में सवाल आ चुका है बच्चों, ठीक है. इसके ऊपर नीट में सवाल आ चुका है, ठीक है. बताता हूँ थोड़ी देर में क्या क्या सवाल आए हैं नीट में. निकाल के रख देता हूँ कॉकरोच के बारे में क्या क्या सवाल आए हैं, ठीक है. क्या क्या सवाल आए हैं नीट में अलग से साइड में रख लेता हूँ बच्चों, ठीक है. एंड में डिस्कस कर लेंगे थोड़े सवाल अपन लोग. कॉकरोच कुठे गेला? कॉकरोच किधर आहे? कॉकरोच मस्क्युलर टिश्यू नर्वस टिश्यू, हाँ कॉकरोच, ठीक है. सो डिस्कस करेंगे बच्चों अपन लोग नीट में क्या क्या सवाल आए हैं इसके ऊपर करके. सो बच्चों क्या रहता है इनके पास? काइटिनेशियस प्लेट्स रहते हैं. सो बच्चों देखिए इनके बॉडी को अपन लोग बच्चों बेसिकली अपन लोग तीन एंगल में देखेंगे, ठीक है बच्चों. अगर ये कॉकरोच है, ठीक है, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉकरोच,
है, दिस इज अ कॉकरोच. ठीक है, कॉकरोच है बच्चों ये. ठीक है, दिस इज कॉकरोच. ठीक है, तो बच्चों ये हो गया है इसका ऊपर वाला सरफेस. ठीक है, दिस इज बिकमिंग हिट्स ऊपर वाला सरफेस. ऊपर वाला बच्चों पीठ वाला सरफेस हमेशा कौन सा सरफेस होता है बच्चों? इट इज द डॉर्सल सरफेस. ये हो गया बच्चों डॉर्सल सरफेस, और ये हो गया बच्चों इसका वेंट्रल सरफेस. तो बच्चों ये हो गया है डॉर्सल सरफेस. अब बच्चों देखो, डॉर्सल सरफेस में ऐसे प्लेट्स लगे रहेंगे बच्चों, ऐसे प्लेट्स. ठीक है, वेंट्रल सरफेस में भी ऐसे प्लेट्स लगे रहेंगे. ठीक है, काइटिनेशियस प्लेट्स. ये काइटिनेशियस प्लेट्स को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? ये काइटिनेशियस प्लेट्स को हम लोग स्क्लेराइड्स बुलाते हैं. अब बच्चों डॉर्सल सरफेस पे जो प्लेट्स होते हैं ना बच्चों, दोज आर कॉल्ड एज द टर्गाइट्स या सिंगुलरिस टर्गम. एक इंडिविजुअल प्लेट्स को हम लोग टर्गम बुलाते हैं, और सारे मिला के बच्चों टर्गाइट्स बुलाते हैं. सो दी स्क्लेराइट्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल सर्फेस आर कॉल्ड एज दी टर्गाइट्स, एंड दी स्क्लेराइट्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी वेंट्रल सर्फेस आर कॉल्ड एज दी स्टर्नम और दी स्टर्नाइट्स. स्टर्नम और दी स्टर्नाइट्स. ठीक है, अब बच्चों देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक बार मेरे तरफ भी देख लो जो बच्चों. ये हो गया है बच्चों ये चश्मे का डब्बा, बराबर. ये हो गया इसका डॉर्सल सरफेस, ये हो गया बच्चों इसका वेंट्रल सरफेस. अब देखिए बच्चों, साइड में भी तो प्रेजेंट रहेंगे ना ऐसे. ये डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस, साइड में भी तो प्रेजेंट रहेगा ना बच्चों. लैटरल सरफेस भी तो है ना इनके पास, लैटरल ये सरफेस, लैटरल ये साइड का सरफेस. तो ये जो लैटरल सरफेसेस है ना बच्चों, इसको हम लोग बुलाते हैं प्लूरॉन या प्लूराइट्स बुलाते हैं. ये लैटरली प्रेजेंट है बच्चों, ऐसे लैटरली प्रेजेंट है ऐसे. ठीक है, लैटरली प्रेजेंट है, इनको हम लोग बुलाते हैं बच्चों प्लूराइट्स या प्लूरॉन बुलाते हैं. प्लूराइट्स या प्लूरॉन बुलाते हैं बच्चों. क्या बुलाते हैं बच्चों इनको? प्लूराइट्स या प्लूरॉन बुलाते हैं. ठीक है, क्या बुलाते हैं? प्लूराइट्स या प्लूरॉन बुलाते हैं. इनको साथ में जोड़ने के लिए टू अटैच देम टूगेदर. ठीक है, टू अटैच देम टूगेदर. ठीक है, वी हैव अ मेम्ब्रेन जो कि इनके सारे प्लेट्स को साथ में जोड़ता है. इस मेम्ब्रेन को हम लोग बुलाते हैं बच्चों आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बुलाया जाता है बच्चों. क्या बुलाया जाता है बच्चों इनको? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बुलाया जाता है. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं अपन लोग नीचे. ये हो जाएगा डॉर्सल सरफेस, ये हो जाएगा वेंट्रल सरफेस, ये हो जाएगा बच्चों लैटरल सरफेसेस. ठीक है, और बच्चों ये प्लेट्स को साथ में कौन जोड़े रखता है? दीस काइटिनेशियस प्लेट्स आर held together by specialized membrane, specialized membrane called as the arthrodial membrane. क्या बुलाएंगे बच्चों अपन इसको? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बुलाएंगे. ठीक है, दीज आर हेल्ड टुगेदर इन प्लेस बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन. क्या बुलाएंगे बच्चों अपन इसको? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बुलाएंगे. ठीक है, ठीक है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बुलाएंगे. ओके, अब बच्चों एक ओवरव्यू देख लेते हैं एक कॉकरोच के स्ट्रक्चर का. लेट अस ड्रॉ अ ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉकरोच. ठीक है, ये है बच्चों हेड. हेड में है बच्चों इनके पास दो कंपाउंड आईज.
Okay, they have two sets of compound eyes. Yeah, they have two sets of compound, मतलब a pair of compound eyes है बच्चों इनके पास, ठीक है, a pair of compound eyes. उसके अलावा बच्चों इनके पास है सर से निकलते हुए दो एंटीना, ठीक है, they have this two antenna like structures. एक overall morphology देख ले रहे हैं बच्चों अपन लोग. ये हो जाएगा बच्चों ये थोरैक्स का पहला पार्ट. ठीक है, इससे पहले कि अपन लोग आगे बढ़े इनका एक विंग बना लेता बच्चों मैं. लेट मी जस्ट ड्रॉ अ विंग. सर इनके आईज वैसे वेब लाइक स्ट्रक्चर क्यों रहता है? क्योंकि बेटा वो कंपाउंड आईज रहता है बच्चों. इट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इनके आईज को, जिसको अपन लोग कंपाउंड आईज बुलाते हैं. ठीक है, एक आइस के अंदर काफी सारे छोटे छोटे ओमेटोफोर्स नाम के स्ट्रक्चर रहते हैं जो मिलके उनका पूरा आइस बनाते हैं, जिसको कंपाउंड आइस बुलाया जाता है. ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों इनका थोरैक्स का पार्ट, एक दो तीन, 1 2 3 थोरैक्स का पार्ट. उसके बाद आ जाएगा बच्चों इनका अबडमन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 10. ओके, फिर बच्चों यहां से और एक विंग आ रहा है बच्चों. ठीक है, और यहां से और एक विंग है बच्चों. ठीक है, यहां पे और एक विंग है बच्चों. ठीक है, और इनके पांव भी होते हैं बच्चों, पांव भी बना देते हैं इनके लेग्स. लेट मी जस्ट ड्रॉ देयर लेग्स. ठीक है, ठीक है, ये हो जाएंगे इनके लेग्स. ठीक है, अब बच्चों यहां पे है बच्चों इनका कंपाउंड आईज है बच्चों इनके यहां पे. ठीक है, दिस इज द एंटीना. क्या है बच्चों? ये एंटीना है. यहां पे बच्चों समथिंग विच इज कॉल्ड एज द प्रोथोरैक्स. ठीक है, फिर बच्चों जो सेकेंड पार्ट ऑफ थोरैक्स है That is called as the mesothorax. क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? Mesothorax बुलाएंगे बच्चों. और ये जो last part है ना बच्चों thorax का, जो तीसरा segment है, उसको हम लोग metathorax बुलाते हैं बच्चों. क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको? Metathorax बुलाते हैं. इनके पास दो wings होते हैं बच्चों. पहले वाले wings को, उड़ने वाले wings को हम लोग बुलाते हैं बच्चों tegmina. क्या बुलाते हैं बच्चों? टेगमिना. और इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों हाइंड विंग्स. एक को अपन लोग टेगमिना बुलाते हैं, दूसरे को अपन लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? हाइंड विंग्स बुलाते हैं. दूसरे को अपन लोग क्या बुलाते हैं? हाइंड विंग्स बुलाते हैं. ठीक है, अब बच्चों एनस के पास भी ऐसा छोटा एंटीना लाइक स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, जिसको हम लोग बुलाते हैं एनल सरकाय बुलाते हैं, एनल सरसाय बुलाते हैं, जो कि बच्चों कॉपुलेशन के वक्त, मतलब रिप्रोडक्शन के वक्त मदद करता है. ये इतना पार्ट तो हो जाएगा बच्चों अबडमन. ये तो हो गया है बच्चों अबडमन.
ठीक है, अब्डमन हो गया है बच्चों, ये इतना पार्ट हो जाएगा बच्चों थोरैक्स, यहां से लेके यहां तक हो जाएगा बच्चों थोरैक्स, और ये लास्ट पार्ट हो जाएगा बच्चों हेड। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हेड हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दिस इज द हेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये है, ये बच्चों तीन पेयर ऑफ लेग्स है इनके पास, ठीक है, दीज आर थ्री पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है, मेटाथोरासिक लेग, प्रोथोरासिक लेग, मेटाथोरासिक लेग एंड मीजोथोरासिक लेग, ऐसे तीन लेग्स रहते हैं इनके पास बच्चों। एक एक सेगमेंट ऑफ थोरैक्स से ये लोग ओरिजिनेट होते हैं, और बच्चों दिस इज बेसिकली दी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉकरोच, ठीक है, ऐसा बेसिकली बच्चों मॉर्फोलॉजी ऐसा दिखता है इनका, ठीक है, यही इनका बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों, कि ओवरऑल तुम्हारा कॉकरोच कुछ ऐसा नजर आता है बच्चों, ठीक है, दिस इज हाउ अ कॉकरोच लुक्स लाइक। यहां तक कोई डाउट है बच्चों, एनी डाउट्स अप टिल दिस पॉइंट, कोई डाउट है बच्चों बताइए तो जरा, समझ में आ रहा है बच्चों यहां तक पक्का, 100%, 200%, गुड गुड। ठीक है, फिर अभी अपन लोग देख लेते बच्चों तुम्हारा जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है कॉकरोच के, वो थोड़ा सा अपन लोग देख लेते हैं, ठीक है, लेट अस टेक अ लुक एट दी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कॉकरोच, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कॉकरोच, ओके। अब बच्चों मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में अपन लोग हेड, थोरैक्स और अब्डोमेन को थोड़ा सा अलग अलग इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, हेड, थोरैक्स और अब्डोमेन को थोड़ा अलग अलग से इन्वेस्टिगेट करेंगे, और देखते हैं बच्चों कि इनके पास क्या क्या ऑर्गन्स और क्या क्या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी पे फोकस कर लेते हैं बच्चों पहले, फिर उसके बाद अपन लोग किस पे फोकस कर सकते हैं, अपन लोग उनके ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सारी चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम जिसके बारे में, सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसके बारे में अपन लोग बात करेंगे बच्चों, दैट विल बी दी हेड ऑफ कॉकरोच, किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, हेड ऑफ कॉकरोच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हेड ऑफ कॉकरोच जो रहता है बच्चों दैट इज हाइपोगनाथस, हाइपोगनाथस का मतलब क्या बच्चों, कि जैसा अपना जो मुंह है बच्चों वो अपने प्रॉपर वेंट्रल सरफेस पे रहता है, उनका वैसा नहीं रहता है बच्चों, उनका जो सर है बच्चों बॉडी से 90 डिग्रीज पे लगा रहता है, और बच्चों माउथ नीचे की तरफ रहता है, लोअर वेंट्रल साइड में रहता है, लेकिन हेड कैसा रहता है बच्चों, बॉडी के प्रोपोर्शन में 90 डिग्रीज रहता है बच्चों, कैसा रहता है, 90 डिग्रीज पे रहता है, ठीक है। सो दी हेड ऑफ कॉकरोच इज हाइपोगनाथस होता है बच्चों, कैसा होता है, हाइपोगनाथस होता है, दैट इज आई ई प्रेजेंट एट अ 90 डिग्रीज एंगल, किस पे प्रेजेंट रहता है बच्चों, ये 90 डिग्रीज के एंगल पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट अ 90 डिग्रीज एंगल, ठीक है। अब बच्चों ये हो गया, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों हेड का, कॉकरोच के हेड का, एनसीईआरटी में दिया है बच्चों ये डायग्राम, बट लेट अस ट्राई टू सी हाउ डज द हेड ऑफ अ कॉकरोच लुक लाइक, ठीक है बच्चों, कभी दिखा तो पहचान में आना चाहिए बराबर, ठीक है, तो उसका कैसा दिखता है सर अपन लोग देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे है एक कंपाउंड आई, ठीक है, अगेन कंपाउंड आई रहने का मतलब क्या है बच्चों, कि इट इज मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स जो कि मिलके इनका पूरा आई लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, ठीक है, जो कि मिलके इनका पूरा आई लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये है बच्चों इनका आई लाइक स्ट्रक्चर,
ये है बच्चों इनका एंटेना। क्या है बच्चों इनका एंटेना, दिस इज द एंटेना। ओके तो बच्चों लेबल कर लेते हैं, दिस इज द कंपाउंड आई ऑफ द कॉकरोच। ठीक है, क्या है बच्चों कंपाउंड आई है, ये है बच्चों एंटेना का सॉकेट। ठीक है, क्या है बच्चों ये एंटेना सॉकेट है बच्चों। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द एंटेना सॉकेट। अब बच्चों इनके पास एक और एक आई लाइक स्पॉट होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, आई समान है, ठीक है, आई लाइक छोटा सा स्पॉट है जिसको अपन लोग ऑक्यूलर स्पॉट बुलाते हैं, ऑक्यूलर स्पॉट बुलाते हैं या सिंपल आई भी बुला सकते हैं बच्चों तुम लोग इसको। ये हो जाएगा बच्चों इनका एंटेना, एंटेना सॉकेट से निकलता हुआ एंटेना। ठीक है, तो बच्चों ये सारे चीजें उनके मेजरली उनके हेड में प्रेजेंट रहता है। अब बच्चों आते हैं इनके माउथ के पार्ट्स, मुंह के पार्ट्स। मुंह में बच्चों टोटल इनके पास चार पार्ट्स है, दो जबड़े और दो लिप्स। ठीक है, दो जबड़े हैं, दो लिप्स है बच्चों। ठीक है, सो बच्चों जबड़ा जो है बच्चों यहाँ पे ये फ्रंटल साइड में रहता है बच्चों मैंडिबल। ठीक है, फ्रंटल साइड में रहता है मैंडिबल और पीछे से ऐसा आता है बच्चों मैक्सिला। पीछे से ऐसा आता है मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला आता है बच्चों पीछे से। ठीक है, अब बच्चों इनके पास दो लिप्स रहते हैं, सामने के साइड रहता है बच्चों लेब्रम और पीछे के साइड रहता है बच्चों लेबियम। ये पीछे के साइड रहता है बच्चों लेबियम। और बच्चों ये मैक्सिला के ऊपर ऐसे पैल्प नाम के एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं बच्चों, पैल्प नाम के एंटीना लाइक स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं। और बच्चों कुछ ऐसा दिखता है तुम्हारा हेड ऑफ द कॉकरोच। ठीक है, हेड ऑफ द कॉकरोच। ठीक है, सो ठीक है कॉकरोच, हेड ऑफ द कॉकरोच। बताइए बच्चों लार्वल स्टेज में मैंने तुम लोगों को कितने सेगमेंट्स बताए थे, कितने सेगमेंट्स बताए थे बताओ तो बच्चों। लार्वल स्टेज में हेड के रे बेटा, सिर्फ हेड के कितने सेगमेंट्स थे, सिक्स। ठीक है, करेक्ट आदित्य उत्कर्ष, करेक्ट। ठीक है, द हेड ऑफ द कॉकरोच इज मेड अप ऑफ सिक्स सेगमेंट्स। ठीक है, सिक्स सेगमेंट्स विच फ्यूजेस टुगेदर बाय, बच्चों जिस जॉइंट से वो लोग एक दूसरे से जुड़े हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज द एपिक्रेनियल सूचर्स। ठीक है, एपिक्रेनियल सूचर्स, इसका एक एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ये है बच्चों। ठीक है, कि एपिक्रेनियल सूचर्स आर लाइक द सूचर्स विच आर प्रेजेंट इन अवर स्कल। ठीक है, दीज आर द सूचर्स विच आर प्रेजेंट इन अवर स्कल, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ जॉइनिंग अपने स्कल में भी दिखता है बच्चों। जैसे एपिक्रेनियल सूचर्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना, वैसे सिमिलर टाइप ऑफ जॉइनिंग अपने स्कल के बोन्स में भी दिखता है बच्चों। और इसलिए स्कल के जॉइंट्स को भी बच्चों याद होगा तो हम लोग सूचर्स बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, द जॉइंट्स ऑफ द स्कल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सूचर्स। ठीक है, सूचर्स बुलाते, करेक्ट। ठीक है बच्चों, उसके बाद अपन ने क्या बोला, एपिक्रेनियल सूचर्स आर विजिबल इन लार्वल स्टेज बट नॉट इन द एडल्ट स्टेज, ठीक है। अब बच्चों हेड के पास एक किडनी बीन लाइक स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, जिसको अपन लोग कंपाउंड आईज बुलाते हैं। ठीक है, हेड कंटेन्स अ पेयर ऑफ
किडनी बीन शेप्ड कंपाउंड आईज, क्या रहता है बच्चों इनके पास? किडनी बीन शेप का क्या रहता है? कंपाउंड आईज रहता है, ठीक है। अब बच्चों इनके पास एक फोटो रिसेप्टर रहता है, ये यहाँ पे ऑक्यूलर स्पॉट, ठीक है। सो दे ऑल्सो हैव फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर कॉल्ड एस फेनेस्टेरा, ठीक है, फेनेस्टेरा और the ocular spot which is vestigial. कैसा है बच्चों ये? Vestigial है। कैसा है बच्चों? Vestigial है, ये कुछ उतना काम का नहीं है बच्चों, ठीक है, ये कुछ उतना काम का नहीं है बच्चों। इनके पास एक पेयर ऑफ एंटीना भी रहता है जिसके पास स्मॉल छोटे छोटे सेंसरी ब्रिस्टल्स रहते हैं, और बच्चों ये अपने एंटीना को मूव कर सकते हैं, याद रखना, सारे डायरेक्शन में दे कैन मूव देयर एंटीना इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है। सो दे हैव आल्सो अ पेयर ऑफ एंटीना, ठीक है, एंटीना इन देयर हेड विथ स्मॉल sensory bristles, small sensory bristles which can move in all directions, जो कि क्या कर सकते हैं बच्चों? सारे directions में move कर सकते हैं, which can move in all directions, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों बेसिकली इनके हेड के बारे में। माउथ के पार्ट्स के बारे में तो मैंने तुम लोग को बताया था बच्चों, ठीक है। लेब्रम जो रहता है दैट इज द अपर लिप, ये बच्चों ये मूवेबल रहता है, लेब्रम मूवेबल रहता है बच्चों, कुछ ऐसा दिखता है माउथ पार्ट्स अगर अपन लोग देखेंगे तो ये रहता है बच्चों लेब्रम, मूवेबल रहता है बच्चों, सिंगल रहता है, पैर नहीं रहता, इट इज सिंगल, ठीक है, इट इज सिंगल, लेब्रम बुलाता है बच्चों अपन लोग इसको, ठीक है, लेब्रम, लेब्रम क्या हो जाएगा बच्चों इनका अपर लिप हो जाएगा, और ये मूवेबल रहता है बच्चों क्योंकि इनके पास मसल्स रहते हैं, ठीक है, इनके पास मसल्स रहते हैं, और छोटे छोटे ये बाल समान जो स्ट्रक्चर्स है ये सेंसरी रिसेप्टर्स है बच्चों, जिसको अपन लोग गुस्टाटो रिसेप्टर्स बुलाते हैं, ठीक है, केमिकल्स को सेंस कर सकते हैं बच्चों, इनके टेस्ट बड समान समझ लो, जिसको अपन लोग गुस्टाटो रिसेप्टर बुलाते हैं बच्चों। इनके पास एक पेयर ऑफ ये रहता है, जबड़ा रहता है सामने की तरफ, जिसको मैंडिबल बुलाते हैं, जिसमें एक रो ऑफ टीथ लाइक स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, फाड़ने फूड़ने के लिए मैंडिबल बुलाते हैं। अपर जॉ, ये भी बच्चों मूवेबल है, ठीक है, ये भी क्या है बच्चों? मूवेबल है, ठीक है, ये भी क्या है? मूवेबल। फिर उसके बाद आता है बच्चों मैक्सिला, मैक्सिला कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, ऐसे केकड़े के हाथ समान दिखता है बच्चों मैक्सिला, इट लुक्स लाइक द हाथ ऑफ केकड़ा, और बच्चों यहाँ पे ये मैक्सिलरी पाल्प भी रहता है जो कि बच्चों अगेन एक सेंसरी रिसेप्टर की तरह है, जिसके ऊपर अगेन छोटे छोटे सेंसरी हेयर प्रेजेंट रहते हैं, ये भी पैर में प्रेजेंट रहता है बच्चों जस्ट लाइक मैंडिबल, ठीक है, and it helps to hold the food in place, ठीक है, maxilla ये lower jaw की तरह है बच्चों, ठीक है बच्चों, अपने में उल्टा है, maxilla mandible है, ठीक है, maxilla mandible है, अपने में अलग है, इनमें बच्चों जो पीछे वाले jaw है उसको अपन लोग maxilla बुलाते हैं बच्चों, ये लोग food को claw like structure से पकड़ के रखता है ताकि mandible उसको crush कर सके, ये पकड़ के रखता है और mandible उसको crush कर देता है। फिर आता है बच्चों यहाँ पे लेब्रम नाम का स्ट्रक्चर, सॉरी लेबियम नाम का स्ट्रक्चर, जो कि लोअर लिप है बच्चों, ये भी सिंगल है बच्चों, पैर में नहीं है,
ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों लेबियल पाल्प हो गया, इनके पास भी पाल्प रहता है बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों मैक्सिलरी पाल्प, मैक्सिलरी पाल्प और लेबियल पाल्प, ऐसे दो पाल्प हो गए बच्चों। ये हो गया तुम्हारा लेबियम, दैट इज दी लोअर लिप हो गया बच्चों, लोअर लिप हो गया है। और बच्चों इनके पास एक टंग समान भी स्ट्रक्चर रहता है जिसको अपन लोग हाइपोफैरिंक्स बुलाते हैं, जिसमें से सलाइवरी ग्लैंड का ओपनिंग खुलता है बच्चों। इट इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर है नहीं, ठीक है, जहां से सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट ओपन होता है बच्चों, ठीक है, कॉमन सलाइवरी डक्ट का ये ओपन होता है, ठीक है। सो दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ दी हेड एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ दी हेड एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है बच्चों। बच्चों ये हो गए सारे हेड के स्ट्रक्चर्स और माउथ के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मूविंग ऑन, लेट अस टेक अ लुक एट दी स्ट्रक्चर्स ऑफ दी थोरैक्स, ठीक है, लेट अस टेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दी थोरैक्स। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दी क्लास के लिए आ गई है हर्षदा, क्या बात है, क्या बात, ठीक है। तो थोरैक्स के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, लेट अस टेक अ लुक एट दी थोरैक्स ऑफ, थोरैक्स ऑफ कॉकरोच, ठीक है बच्चों। अब बच्चों थोरैक्स ऑफ कॉकरोच तीन सेगमेंट में डिवाइडेड रहता है, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट्स, किसमें डिवाइडेड रहता है बच्चों, ये थ्री सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है। जो पहला सेगमेंट होता है बच्चों उसको हम लोग बुलाते हैं प्रोथोरैक्स, क्या बुलाते हैं बच्चों अपन इसको, प्रोथोरैक्स बुलाते हैं, ठीक है। द फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज द प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स जो होता है बच्चों दैट इज द पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द थोरैक्स, ठीक है बच्चों, कंटेनिंग नेक लाइक एक्सटेंशन रहता है जो इनके सर के साथ जुड़ता है बच्चों, ठीक है, इसके साथ रहता है। और बच्चों इनके पास प्रोटो प्रोनोटम, प्रोनोटम नाम का एक स्ट्रक्चर रहता है बच्चों जो ओवरलैप करता है हेड के साथ, जहां पे वो हेड जुड़ रहा है बच्चों, ठीक है, ऐसे ऐसे एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर समान रहता है जिसको अपन लोग प्रोनोटम बुलाते हैं। लेट मी जस्ट शो यू डायग्राम, ठीक है, एक वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी सुंदर, लेट मी जस्ट शो यू डायग्राम्स, यस डायग्राम्स नहीं बच्चों, एक फोटो ही देख लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, फिर और एक फोटो भी मैं ला लेता हूँ जो कि आगे जाके काम में आएगा, ठीक है। ये देखिए बच्चों ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज दी थोरैक्स, इसको मैं बाद में इस्तेमाल करूंगा, ये तो अपडोमेन के पार्ट्स और थोरैक्स के पार्ट्स के लिए ही है, ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है ये दिस इज दी थोरैक्स, और बच्चों देखिए थोरैक्स का ये पार्ट है जो थोड़ा सा सर के ऊपर ऐसा ऐसा अम्ब्रेला समान ऐसा एक्सटेंड हो रहा है बच्चों, ठीक है, छज्जे समान, छज्जा समान ऐसा एक्सटेंड हो रहा है बच्चों, जिसको अपन लोग प्रोनोटम बुलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिख लेते हैं, इट इज द लार्जेस्ट सेगमेंट, लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ थोरैक्स, क्या है बच्चों ये लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ थोरैक्स रीजन है, ठीक है, लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ थोरैक्स रीजन है, एंड कंटेन, ठीक है, एंड कंटेन्स नेक लाइक एक्सटेंशन, अ नेक लाइक एक्सटेंशन जॉइनिंग दी हेड, ठीक है, इनके पास एक नेक लाइक एक्सटेंशन रहता है बच्चों जो हेड को ज्वाइन करता है, ठीक है। अब बच्चों इसके पास एक प्रोटोनम नाम का स्ट्रक्चर रहता है जो ओवरलैप करता है बच्चों, एनसीईआरटी में नहीं है वैसे, ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं, दे हैव एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कॉल्ड एस प्रोटोनम, ठीक है, प्रोनोटम, सॉरी हमेशा मैं गलती कर देता हूँ, ये प्रोनोटम
विच ओवरलैप्स द हेड, ओवरलैप्स द हेड, ठीक, किसको ओवरलैप करता है बच्चे, हेड को ओवरलैप करता है, ठीक है, विच ओवरलैप्स द हेड, ठीक है बच्चों, यहां से एक पेयर ऑफ लेग्स भी रहते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ लेग्स अटैचेस टू दिस पार्ट, अटैचेस टू दिस पार्ट, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रहता है बच्चों तुम्हारा मीजोथोरैक्स, नेक्स्ट क्या रहता है बच्चों तुम्हारा मीजोथोरैक्स, बच्चों मीजोथोरैक्स जो रहता है ये, इसमें भी एक पैर ऑफ लेग्स रहता है और एक पंख, एक पैर ऑफ पंख निकलता है बच्चों, जिसको टेग्मिना बुलाते हैं, ठीक है, पैर ऑफ लेग्स एंड अ पैर ऑफ फोर विंग्स, पैर ऑफ फोर विंग्स, फोर विंग्स को क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग, टेग्मिना बुलाते हैं, ठीक है, टेग्मिना बुलाते हैं, ठीक है, टेग्मिना अराइजेस फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, फिर आ जाता है बच्चों मेटाथोरैक्स, सर एनसीईआरटी के किताब, तुम लोग हमेशा एनसीईआरटी से ई क्यों खा लेते हो बे, ई भी तो लगाया करो, एनसीईआरटी है बच्चों, ठीक है, तो वो बोलने में भी अपन लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी सुनाई देता है, लेकिन एनसीईआरटी है वो, ठीक है, हाँ सर एनसीईआरटी के किताब में फोर विंग्स जो है इट सीम्स टू बी अटैच टू द प्रोथोरैक्स, हाँ बिल्कुल लगता है कि डायग्राम में वो अटैच है, लेकिन याद रखना बच्चों वो प्रोथोरैक्स में नहीं, मीजोथोरैक्स में अटैच है, ठीक है, इट इज अटैच टू द मीजोथोरैक्स, थियोरी में दिया है बच्चों, डायग्राम में बस ऐसा लगता है, मतलब वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मिस्टेक है बच्चों वो, ठीक है, लेकिन वो आता है तुम्हारे मीजोथोरैक्स से ही, ठीक है, सो वन पेयर ऑफ लेग्स, वन पेयर ऑफ लेग्स एंड अ पेयर ऑफ हाइंड विंग्स आते हैं बच्चों मेटाथोरैक्स से, ठीक है, हेड मेटाथोरैक्स आते हैं, ठीक है, अब बच्चों याद रखना कॉकरोच के जो पैर है ये इकोलॉजी में भी आएगा बच्चों, ये वाला जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो कर्सोरियल अडेप्टेशन के लिए प्रेजेंट है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट फॉर कर्सोरियल अडेप्टेशन, ठीक है, दी लेग्स ऑफ कॉकरोच आर कर्सोरियल अडेप्टेशंस, अर्थात बच्चों तेज दौड़ने के लिए, ठीक है, बहुत ही तेज दौड़ने के लिए जो अडेप्टेशंस रहते हैं बच्चों उसको अपन लोग क्या बुलाते हैं, कर्सोरियल अडेप्टेशंस बुलाते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों थोरैक्स ऑफ योर कॉकरोच, फाइनली आ जाते हैं बच्चों द अब्डोमेन ऑफ द कॉकरोच में, ठीक है, अब्डोमेन ऑफ द कॉकरोच में, जैसे कि मैंने बोला बच्चों अब्डोमेन में टोटल 10 सेगमेंट रहते हैं, ठीक है, देयर आर 10 सेगमेंट्स टू द अब्डोमेन, अब्डोमेन ऑफ कॉकरोच, ठीक है, टोटल 10 सेगमेंट रहते हैं बच्चों इनके पास, ठीक है, अब बच्चों देखो मैंने बताया था तुम लोग को ऊपर और नीचे दो अलग अलग इनके पास सेगमेंट्स प्रेजेंट है, ऊपर वाले को टर्गाइट्स बुलाते हैं, नीचे वाले को स्टर्नाइट्स बुलाते हैं, अब बच्चों ये टर्गाइट्स और स्टर्नाइट्स के प्लेट्स में थोड़े मॉडिफिकेशन है जो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, और बाय द वे ये फोटो मैंने इसलिए लाया था ताकि तुम लोग देख सको पैर के अटैचमेंट कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, पैर और विंग्स के अटैचमेंट कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है, देखिए बच्चों ये है लेग स्टम्प्स, तो बच्चों देखो लेग स्टम्प्स पहला वाला जुड़ा है प्रोथोरैक्स में, दूसरा वाला जुड़ा है मीजोथोरैक्स में, और लास्ट वाला जुड़ा है बच्चों इन द मेटाथोरैक्स रीजन, ठीक है, फिर यहां से दूसरा पार्ट ऑफ द लेग्स आ रहा है बच्चों ऐसा, ठीक है, दूसरा पार्ट ऑफ द लेग्स आ रहा है बच्चों, और इनके लेग्स के ऊपर भी ऐसे पांव समान स्ट्रक्चर्स, हेयर समान स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं बच्चों, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, सो बच्चों दिस इज द, ठीक है, दिस इज द लेग्स का अटैचमेंट बच्चों, ठीक है, लेग्स का अटैचमेंट, विंग का अटैचमेंट भी देखिए बच्चों, ये एक्चुअली देखो यहाँ पे भी एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि बच्चों ये तुम्हारे इसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रोथोरैक्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बच्चों एक्चुअली जॉइनिंग होता है उसका कहाँ पे,
मिजोथोरैक्स में होता है बच्चों, और ये है बच्चों इनका एनल सरसाए। क्या है बच्चों? ये इनका एनल सरसाए, ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है बच्चों, ठीक है। एक सेकंड ना बच्चों, जस्ट अ सेक, सॉरी। ठीक है, सो अब्डोमेन देख लेते बच्चों, ठीक है। लेट अस टेक अ लुक एट द अब्डोमेन। अब्डोमेन में बच्चों 10 सेगमेंट रहता है, लेकिन बच्चों टर्गाइट्स और स्टर्नाइट्स में थोड़े मॉडिफिकेशंस रहता है, ठीक है। द अब्डोमेन ऑफ द अडल्ट कॉकरोच, अडल्ट कॉकरोच कंटेन्स 10 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स से है बच्चों? 10 सेगमेंट्स है इनके पास, ठीक है। काफी सारे अलग बच्चों, मेल और फीमेल को अपन लोग इनके अब्डोमिनल सेगमेंट से पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों अगर अपन लोग बात करें फीमेल मेल मेल कॉकरोच की, ठीक है, मेल कॉकरोच की बात करें, सो डॉर्सली द अडल्ट कॉकरोचेस हैव, डॉर्सली का मतलब क्या है बच्चों? पीठ के साइड में, हैव 10 टर्गाइट्स। इनके पास 10 टर्गाइट्स रहते हैं बच्चों, ठीक है। बट द नाइन्थ टर्गम ऑफ द मेल एंड द नाइन, नहीं एक सेकंड, ठीक है, हाँ, एंड दी एट एंड नाइन्थ टर्गम ऑफ दी फीमेल आर लार्जली कवर्ड बाय दी सेवेंथ टर्गम, ठीक है। ऐसा सेवेंथ टर्गम उनको ऐसा कवर कर लेता है बच्चों, काइंड ऑफ, तो बहुत ही छोटू से हो जाते हैं वो लोग, बराबर। बच्चों अगर बात करें हम लोग दसवें टर्गम की, टेंथ टर्गम इज शील्ड शेप का मतलब क्या है बच्चों? भाले समान दिखता है ये, ठीक है, भाले समान दिखता है, एंड कंटेन्स अ पेयर ऑफ एनल सरसाई। क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों इसमें? एक पेयर ऑफ एनल सरसाए प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एनल सरसाए प्रेजेंट रहता है, ठीक है बच्चों। जो नाइन्थ स्टर्नम है मेल्स का, स्टर्नम का मतलब क्या है बच्चों? अभी अपन लोग नीचे वाले जगह वेंट्रल पोर्शन में आ जाते हैं। द नाइन्थ स्टर्नम ऑफ मेल्स कंटेन्स अ पेयर ऑफ एनल स्टाइल, जो फीमेल्स में नहीं रहता है बच्चों, तो मेल फीमेल्स को अपन लोग इससे पहचान सकते हैं, ठीक है, एनल स्टाइल प्रेजेंट रहता है बच्चों। एथ और नाइन्थ जो स्टर्नम रहता है फीमेल्स में, एथ एंड नाइन्थ स्टर्नम इन फीमेल्स आर मॉडिफाइड इंटरनली टू फॉर्म the walls of the genital pouch, ठीक है, genital pouch करके रहता है बच्चों, जहां पे अंडा वगैरह बनता है उनका, उसके लिए बच्चों क्या रहता है, ठीक है, उसके लिए इनके पास एक इंटरनल मॉडिफिकेशन रहता है। और बच्चों फीमेल में सातवा स्टर्नम बोट शेप का दिखता है, सेवेंथ स्टर्नम इन फीमेल्स बोट शेप। तो बच्चों अब्डोमिनल सेगमेंट्स के एंड एंड के पार्ट देखे तो बच्चों ये है छठवां सेगमेंट, ये है बच्चों सातवां सेगमेंट, ये है बच्चों आठवां सेगमेंट, नाइन्थ सेगमेंट, और ये है बच्चों टेंथ सेगमेंट, ठीक है, ये है बच्चों टर्गाइट्स। अब स्टर्नाइट्स देख लेते बच्चों, स्टर्नाइट्स में ये रहेगा बच्चों छठवां सेगमेंट, सातवां सेगमेंट,
आठवा और नाइन्थ सेगमेंट बच्चों, देर इज नो टेंथ स्टरना नहीं रहता बच्चों, ठीक है, टेंथ स्टरना नहीं रहता है। तो बच्चों ये होता है तुम्हारा, यहां से आ रहा है एनल सरकाई, सरसाई, सरकाई नहीं सॉरी, एनल सरसाई, और बच्चों नीचे से आ रहा है तुम्हारा एनल स्टाइल। ये होता है बच्चों मेल कॉकरोच का लैटरल व्यू, मेल कॉकरोच का लैटरल व्यू हो गया है बच्चों ये। फीमेल कॉकरोच को अगर अपन लोग देखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा उनका छठवा सेगमेंट, सातवा सेगमेंट, एथ, नाइन्थ और टेंथ क्या हो गया बच्चों, ये तुम्हारा टर्गाइट्स हो गया है, ठीक है। यहां पे रहेगा बच्चों छठवा सेगमेंट, बड़ा सा सातवा सेगमेंट, आठवा और नौवा तो बच्चों इंटरनली प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इंटरनली प्रेजेंट रहता है बच्चों, वो अंदर की तरफ मॉडिफाई हो जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स बनाता है। और बच्चों सेवन स्टर्नम तो कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, बोट शेप, ठीक है, नाव समान दिखता है बच्चों, ये ऊपर का, ठीक है, बोट समान दिखता है बच्चों, ठीक है, बोट समान दिखता है, ऐसा ऐसा देखोगे तो बोट समान दिखेगा। सो ये बच्चों ऐसा बोट शेप का रहता है, ठीक है, बोट शेप का रहता है सेवन स्टर्नम। ये हो जाएगा बच्चों फीमेल कॉकरोच का लैटरल व्यू हो गया बच्चों, ठीक है, फीमेल कॉकरोच का लैटरल व्यू हो गया। सो बच्चों दिस इज द ओवरऑल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, ठीक है, दिस इज द ओवरऑल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच है बच्चों, ठीक है, क्या है ये, ओवरऑल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो दिस कंक्लूड्स द ओवरऑल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच।